जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया है उनके लिए अभी भी पोर्टल ओपन है, वो भी अपना अप्लाई कर सकेंगे और उनको भी राशन मिलेगा। देखिए वैसे तो हम लोग कई माध्यम से अनाज दे रहे हैं, दीदी किचन भी चल रहा है, अनाज भी खाने के लिए भी जिनके पास कोई भी उस जगह पर जा सकता है, और इसकी के लिए एक हमारे पास डाटाबेस भी तैयार होगा। इसलिए हम लोग ये चाह रहे हैं कि वो लोग अप्लाई भी करें और सरकार से अनाज भी लें, और देश में जो संक्रमण से जूझ रहे हैं लोग, एक खबर और भी है कि आज इस संक्रमण की घड़ी में हमारे राज्य के पुलिस कर्मियों ने इस राज्य को 10 करोड़ रुपया का 8 करोड़ रुपया का सहायता राशि राज्य सरकार को दी है अपने वेतन मद से। और उसी प्रकार आज डेंटल ट्यूटर रिम्स के लोगों ने भी 51,000 रुपीज़ का राहत राज्य सरकार के रिलीफ फंड में देने का काम किया है। उन सभी को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। करते हैं और निवेदन भी करना चाहेंगे कि आप सभी को पता है ये राज्य अत्यंत पिछड़ा है, यहाँ गरीबों की संख्या अधिक है, मजदूरों की संख्या अधिक है, बेरोजगारों की संख्या अधिक है, और जो संभ्रांत लोग हैं उन सब लोगों से मेरा आग्रह भी है, हमने अखबारों के माध्यम से भी पत्रों के माध्यम से भी कई लोगों को पत्र भी लिखा है कि राज्य के राहत कोष में आप लोग अपना योगदान दें ताकि आज इस संक्रमण की घड़ी में बेरोजगारों को, कमजोर निरीह लोगों को सरकार मदद कर सके, चाहे वो भोजन के रूप देने के भोजन खिलाने के रूप में हो, चाहे वो अनाज वितरण के रूप में हो, चाहे वो स्वास्थ्य सेवा के रूप में। सब आपका स्वागत है, हम उम्मीद करेंगे कि राज्य के सभी लोग इसमें अपना योगदान देंगे। धन्यवाद।